लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का दौर लगातार जारी दिख रहा है। इसी के चलते खरगोन जिले के ग्राम सेगांव में कृषि उपज मंडी में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के तहत जय किसान ऋण माफी योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव, स्थानीय विधायक केदार डाबर, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला केदार डाबर सहित जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र डार्ट, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। इस दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें बुलंदी में शिखर तक पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर सचिन यादव ने किसानों को कर्ज ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हमारे जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश में हर जिले की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलों को चिन्हित करके उनकी ब्रांडिंग की जाए और उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं जो है स्थापित की जाए, चाहे वो प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थापित की जाए और साथ ही साथ विषय विशेषज्ञों को बुला करके उस फसल से जुड़े हुए जो तकनीकी लोग हैं उनको बुला करके, साइंटिस्ट को बुला करके, हमारे किसान साथियों को जो नई नई तकनीकें जो कृषि के क्षेत्र में आ रही हैं उसकी जानकारी भी दें, उसके बारे में उनको जागृत करने का काम किया जाएगा। उसी तारतम्य में ये दूसरा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला आयोजन हमने छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल के रूप में हमने करा था। दूसरा जो आयोजन है हम लोग कसरावद में जो है चिली फेस्टिवल के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं और उस फेस्टिवल के माध्यम से सभी जो हितधारक हैं उन सभी हितधारकों को जो है हमारे इस निमाड़ की जो मिर्ची है, उस मिर्ची जो कि पूरे प्रदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में जो है अपनी एक पहचान बनाई हुई है, उसको और उसकी हम लोग कैसे ब्रांडिंग कर सके, उस दिशा में उस सोच को लेकर के जो है इस चिली फेस्टिवल का जो है आयोजन कसरावद में किया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।